सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिथ पिजन जान। थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, कैसे ये पीरियड आपका बीत रहा है, क्योंकि वापस से एक बार वही सिचुएशन आ गई है, लाइक लॉकडाउन 360 डिग्री वापस से चेंज हो गया है कहीं ना कहीं। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग नाइटमेयर। ये एक ऐसी ऐसा एक ऐसा लग रहा है, ये कोविड का जो सिचुएशन हमारे हमारे देश में, खास करके जो अभी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर यही लगता है कि एक बहुत बुरा सपना है जो खत्म ही नहीं हो रहा, और बस अभी उस दिन का इंतजार है जब नींद से जागे हम। एक दिन ऐसा है कि पूरे दुनिया भर में लोग बोले कि कोरोना नाम का कुछ है ही नहीं, एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, एंड बस उसी दिन का इंतजार है। बिकॉज इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू, मुश्किल हो रहा है, लोग घर ही में बंद है, इनकम का इश्यूज हो रहा है सबको। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं इस मामले में कि हमारे सर के ऊपर एक छत है खाने के लिए, दो वक्त का खाना है, मगर लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तो आई रियली रियली विश कि ये कोविड का जो इशू है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। बट मैं तो आम का पासिंग माई टाइम बाय सिंगिंग, मेकिंग म्यूजिक, वर्किंग आउट, एंड जितना मेरे से हो सके रीडिंग कर रहा हूँ, फिल्म्स देख रहा हूँ मैं बहुत, जो मैंने बहुत सालों तक नहीं किया था वो मैं अभी कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग मूवीज एवरी डे, मैं हर दिन एक नया फिल्म देखता हूँ। तो हाँ, अभी लेट्स सी कितना टाइम तक ये चलेगा। यस, वी सॉ योर इंस्टाग्राम, और वहाँ पर हम आपके सारे अपडेट्स लेटेस्ट देखते रहते हैं, जो आप म्यूजिक पर वर्क कर रहे हो और बाकी सब। तो सबसे पहले तो आपने जो मदर्स डे पर सरप्राइज प्लान किया था अपनी मम्मा के लिए, उस सॉन्ग के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी थी? ये सॉन्ग आगाज एंटरटेनमेंट से ये आया है गाना, एंड इसके पीछे आई थिंक द आइडिया, जो मेन आइडिया कॉन्सेप्ट था, वो आगाज एंटरटेनमेंट के जो ओनर है नीरज तिवारी दादा, उनका आइडिया था ये कि माई मॉम इज एक्चुअली अ वेरी गुड सिंगर, माई मॉम सिंग्स वेरी नाइस, शी इज अ वेरी गुड सिंगर। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक बेटे एंड माँ को साथ लेकर एक गाना बनाया जाए। एंड मदर्स डे का प्लान था ही नहीं हमारा, ऑनेस्टली बता रहे, ये प्लान बहुत पहले बना था, बट क्योंकि हमारे बीच में कुछ वापस से कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन हो गया, फिर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, और फिर मैं कैलकटा गया, आई हैड टू गो टू कैलकटा, कुछ रिकॉर्डिंग्स थे फिल्म्स के एंड म्यूजिक डायरेक्टर से मीटिंग्स थी। तो मैं कैलकटा जब गया तब हमें ये आइडिया आया दिमाग में कि हम म्यूजिक कंपोजर जो थे वो भी कैलकटा में थे, मैं भी कैलकटा में था, तो हमने तभी डिसाइड किया कि ओके, ये प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेट्स लेट्स फिनिश द रिकॉर्डिंग। तो हमने कैलकटा में इसकी रिकॉर्डिंग ख़त्म करी, और फिर मुंबई आ गए तो वापस लॉकडाउन हो गया, तो हम बहुत खुश थे कि एटलीस्ट गाना तो रेडी हो गया। एंड फिर हमें आइडिया आया कि ओके, दिस इज मदर्स डे, मई आ रहा है मदर्स डे, तो वाई नॉट डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ऑल द मदर्स, नॉट जस्ट माई मदर, हर एक की माँ के लिए। बिकॉज उसके लिरिक्स अगर आपने सुने हैं तो बहुत पर्सनल लगते हैं, हर हर या बच्चा उस बिल्कुल गाने खुला से, हार्ट हार्ट यस, हर टचिंग। बच्चा उस गाने से रिलेट कर सकता है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ऐसा गाना गाने का मौका मिला, बिकॉज आई थिंक ये एक गाना है जो माओ के लिए रह जाएगा, आई होप। लेकिन बीइंग एन सिंगर, समटाइम्स जो रेवेन्यू होता है या ये सब होता है, इस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो कभी आपका ऐसा कभी दिमाग गया उस चीज के ऊपर कि व्यूज इतने ज्यादा ग्रेट नहीं मिले, उसको इतना ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं किया गया, कभी ऐसा कभी फील होता है? देखिए ऑनेस्टली आई डोंट, मैं व्यूज को उतना ध्यान में नहीं रखता, बिकॉज व्यूज कैन बी बॉट। आपको अगर व्यूज चाहिए तो आप कुछ पैसे देकर आप व्यूज खरीद सकते हो, मगर आई फील आई ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो शायद मेरे प्रोजेक्ट्स शायद उतने ज़्यादा नहीं हो, मगर मेरे प्रोजेक्ट्स आपको क्वालिटी वाइज कभी कम नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेर इन माई फादर इज सच ए लेजेंडरी फिगर, ही इज नोन एज द मेलेडी किंग। एंड अभी एक और हंसी, मतलब हंसी भी आती है, थोड़ा हम्बल भी हो जाता हूँ मैं ये सुनकर, क्योंकि लोग मुझे भी अभी वही नाम से बुला रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी आई थिंक, एंड आई कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड। बट
व्यूज वाइज देखे, पॉपुलैरिटी वाइज देखे, तो म्यूजिक आई डोंट थिंक डिपेंड्स अपॉन व्यूज एंड पॉपुलैरिटी. म्यूजिक डिपेंड्स अपॉन मेलोडी एंड कितना आप महसूस कर सकते हो गाने को. तो उस हिसाब से तो मैं कभी रेवेन्यूज वेवेन्यूज जो आप बोल रहे हो, मैं देखिए फाइनेंसिस में ना मैं बहुत खराब हूँ. मेरी मॉम और मेरे मैनेजर और मेरे यू नो जो टीम है वो लोग पैसों की बातें करते हैं, मैं करता ही नहीं हूँ, मुझे आता ही नहीं है. क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है पैसों के बारे में बात करना. यू नो किसी के साथ आप कितना रेम्यूनरेशन लेंगे ये वो, मेरे को बहुत डांट भी पड़ी है इस चीज़ के लिए, मेरी मॉम से ही पड़ी है, मैनेजर से पड़ी है. मगर आई डोंट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दैट बिकॉज मेरा एक ही काम है और वो है गाना. तो आप मुझे माइक के सामने खड़े कर दो, मैं अपना काम कर लूंगा. बाकी जो पीठ पीछे जो सीन्स होती है ना, बिहाइंड द सीन्स वाला जो पूरा किस्सा है, वो मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए एक ही चीज़ है, वो है गाना गाना. तो रेवेन्यूज एंड ऑल, एंड फॉर्चुनेट फॉर मी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे अभी तक अच्छे ही लोग मिले जिन्होंने मुझे ठगा नहीं है. तो उस चीज़ में आई थिंक भगवान इज, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी एंड ही इज गिवन मी गुड पीपल टू वर्क विद टिल नाउ. Okay, and what you have to say about your recent post, जहाँ पर आपने I think AR रहमान के related कुछ तो जो legend है कहीं ना कहीं song में, उनके related कुछ एक चीज को challenge किया है कहीं ना कहीं, accept किया. Challenge तो क्या है वो? Challenge कैसे? रहमान सर को challenge करने वाला I think धरती कहा? उनके लिए कुछ ऐसे expectation कहीं ना कहीं बढ़ा दिए fans की, कैसा क्या है जिसे आप recreate कर रहे हो? So मैं रहमान सर के गाने आई थिंक हर कोई, मैं कोई खास करके कुछ मैं मेरे पे ये लागू नहीं होता. आई थिंक यू मी एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड आई थिंक हैज सम हाउ और द अदर, आई वुडंट से इंडियन किड्स आल्सो बिकॉज रहमान सर इज एन इंटरनेशनल आइकन. तो आई थिंक हर बच्चे ने रहमान सर के गाने कोई ना कोई पॉइंट पे कभी ना कभी सुनकर उसे अलग लेवल पर महसूस किया है. और वैसा ही एक बहुत बड़ा गाना है जो मैंने किस्मत से कविता कृष्णमूर्ति मैम को लाइव गाते सुना है, हरिहरन सर को लाइव गाते सुना है, एंड मैंने कविता कृष्णमूर्ति मैम को अपने बेटे के साथ वायलिन पे ड्यूएट करते हुए भी सुना है इस गाने को. तो मेरे लिए ये गाना कहीं और है. इट्स डेफिनेटली इन माय टॉप 5 बॉलीवुड सॉन्ग्स एवर. एंड ये गाना बहुत ही यू नो मुझे डर लगता है ऐसे गानों को छेड़ने में बिकॉज ये गानों की एक बहुत बड़ी एक लेगेसी है, हिस्ट्री है. मगर फाइनली आई थिंक ये बात सब लोग जानते हैं, मुझे ना नींद की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा कम सोता हूँ, मैं दिन में थोड़ा 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ, मतलब उससे ज़्यादा होते हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई डोंट गेट स्लीप. सो मैं परसों रात की बात है, मैं परसों रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रहा था यार क्या किया जाए, कितने फिल्म देखे, कितने बुक्स पढ़े, कितने गाने सुने. तो मैंने अपना मैं अपना गिटार अपने साइड पर लेकर सोता हूँ बेड पे, मैं अपना गिटार अपने बाजू में रख के बिस्तर पे सोता हूँ. तो आई स्टार्टेड प्लेइंग माई गिटार, उधर से ये गाना मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये गाना काफ़ी सालों से मेरे दिमाग में है मगर इसको अटेम्प्ट करने की जो एक हिम्मत है वो मेरे में नहीं आ रही है. एंड ये गाना जो है इसका नाम है तू ही रे, इट इज़ फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे एंड इट इज़ वन ऑफ रहमान सर्स मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन आई फील. तो इस गाने को अटेम्प्ट करने का जो करेज था वो मुझे परसों रात को आया. एंड फिर मैं काम पे लग गया, आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, आई स्टार्टेड मेकिंग पीसेज एंड लाइक यू नो स्टार्टेड डूइंग माय वर्क एंड मुझे पता भी नहीं चला सुबह हो गई. तो मैंने बिना सोए वो रील जो मैंने डाली, जो आपने बताई वो पोस्ट, वो मैंने बिना सोए ऐसे बिकॉज मुझसे रहा नहीं गया. ये न्यूज़ मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि यू नो आई एम अटेम्प्टिंग तू ही रे. तो आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद माई फैंस एंड द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट वाज सो अमेजिंग. पीपल आर लाइक यू नो ट्राइंग टू गेस द सॉन्ग एंड वो जो एक सिग्नेचर फ्लूट पीस जो बिगिनिंग में सर ने यू नो बनाई है, मैंने उतना ही डाला. तो वो ही सुनकर इतने DMs आए, इतने यू नो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम अटेम्प्टिंग दैट सॉन्ग. इट्स गोना कम आउट होपफुली यू नो, अभी तो आज तो 11 तारीख हो गया, बाय एंड ऑफ मे आई थिंक तू ही रे शुड बी आउट. लेट्स सी. या ओके, जिस तरह का टाइम पीरियड चल रहा है, लोग ज्यादा किसी से मिलजुल तो नहीं पा रहे, पर हाउ अबाउट यू, मतलब किस तरह से आप लोगों से कनेक्टेड है, अपने फ्रेंड्स से कैसे कनेक्टेड है आप, लाइक मतलब आपको अभी मैं एक फनी चीज बोलूंगा तो आप हंसोगे, आपको मेरे लिए बहुत बुरा लगेगा, मैं खुद के रूम में क्वारंटीन्ड हूँ. क्योंकि मुझे क्या हुआ, आई वाज एग्जिबिटिंग अ फ्यू सिम्टम्स, मुझे स्नीजेस आ रही थी थोड़ी एंड थोड़ा कॉफिंग था, तो मुझे बहुत डर लग गया. तो आई डिसाइडेड टू क्वारंटीन माई सेल्फ फॉर 7 days एंड यू नो जब तक टेस्ट करवा के ये यू नो
अश्योर्ड रेस्ट अश्योर्ड नहीं हो जाता मैं कि आई डोंट हैव इट, आई डोंट हैव कोविड. आई डिसाइडेड कि नहीं, अपने आप को अकेले रखना बंद, बिकॉज माई मॉम इज़ देयर, माई ब्रदर्स आर देयर. तो फ्रेंड्स से तो बहुत टाइम से नहीं मिला हो, एंड कहीं ना कहीं इट गेट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग, सैचुरेटिंग हो रहा है. बट अभी का वक्त ही ऐसा, आई थिंक घर पे रहना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए, बिकॉज यू नो हम हर दिन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, बिस्तरों की कमी हॉस्पिटल्स में, एंड इट्स जस्ट अ बैड सिनेरियो एंड आई वुडेंट वॉन्ट टू ऐड टू इट. तो मैं तो दोस्त लोगों को मिस तो कर रही हूँ डेफिनेटली, मगर अभी के लिए घर पे ही रहना सही है. क्या करें, ओके. काफी सारी मिसहैपनिंग्स चल रही है, आपने देखा ही होगा, लाइक निकी के भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, साथ ही साथ हिना खान के डैड नहीं रहे, मतलब बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, और कोविड की वजह से तो कोहराम मचा हुआ है. कहीं ना कहीं जो सेलेब्स भी है उन्हें भी काफी कुछ फेस करना पड़ रहा है. यहाँ पे लोग ऐसा सेग्रीगेट करते थे कि लाइक जो गरीब है उन्हें ही मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही है टाइम टू टाइम, तो दैट इज द रीजन वो कहीं ना कहीं जा रहे. पर यहाँ पे हर आए दिन कोई ना कोई एक आर्टिस्ट हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उसके साथ भी एज इट इज ही चीजें हो रही है. तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है और अनफॉर्चुनेट है ये. तो कैसे देख रहे हो आप, आपकी बात हुई हिना से, निकी से, यहाँ तक कि रुबीना भी आई थिंक कोविड पॉजिटिव हो गई है, मतलब उनका तो अभी अंडर द ऑब्जर्वेशन है वो, शी इज इन क्वारंटाइन. यस, आई डिड रीच आउट टू, आई डिड पुट इन अ मैसेज फॉर निकी एंड हिना से तो नहीं हो पाई बात, मगर उनके लिए भी मैंने एक मैसेज डाला था. रुबीना के साथ ऐसा हुआ कि जिस दिन रुबीना से मेरी, तो आई टॉक टू रुबीना क्वाइट फ्रीक्वेंटली, मतलब जनरली रैंडमली मैं फ़ोन कर लेता हूँ उनको, क्या कर रहे हो, क्या नहीं एंड ऑल. तो उनका एक पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग कोविड, जिसमें उन्होंने बोला कि यू नो आई टेस्टेड पॉजिटिव. तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन लगाया, तभी रुबीना वॉज गोइंग बैक टू हर हाउस, शी वॉज ऑन द वे रोड पे, शी वॉज ऑन द वे एंड शी वॉज साउंडिंग वेरी वीक. तो मैंने रुबीना को पूछा कि आपको क्या हो गया, आपके कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं. तो उन्होंने, वी स्पोक फॉर अ वाइल, शी टोल्ड मी दैट नो शी वॉज नॉट ओके, शी वॉज अ बिट वीक, बट आई नो रुबीना. एंड जितना रुबीना एंड अभिनव भाई के डाइट का जो यू नो एक जितना स्ट्रिक्ट उन लोग का यू नो पौष्टिक खाना जितना वो लोग खाते हैं, आई थिंक कोविड कुछ भी नहीं कर पाएगा उनको. एंड ऑनेस्टली आई नो रुबीना इज अ फाइटर, शी विल कम बैक लाइक दैट, शी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. आई थिंक ये 14 दिन में रुबीना और भी कुछ ज्यादा निखर के यू नो हाई फाई कुछ करके आएगी बाहर, बिकॉज आई नो रुबीना एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई नो शी विल कम. एंड अभी तो अभिनव भाई इज इन केप टाउन, तो आई थिंक शी विल हैव टू, उन्होंने पर्सनली अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली रहेगी कि नहीं अभिनव भाई का जो यू नो सोशल मीडिया का जो प्रमोशन, द वोट्स एंड एवरीथिंग दैट. तो आई नो रुबीना विल मेक इट, शील मेक इट, शील कम बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर आई फील. अच्छा, हमने देखा था जब तक आप घर में थे तो कहीं ना कहीं आप उनका सपोर्ट थे निकी का, लेकिन आपके निकलने के बाद में जो उनकी मतलब स्पेशली जब वो शो में री एंटर्ड हुई थी, उसके बाद उनका कहीं ना कहीं जो ज्यादा झुकाव होता है या फ्रेंडशिप होती है वो रुबीना और अभिनव के साथ ग्रेटली मतलब दिखकर आई, और घर के बाहर भी हमने देखा कि उनका काफी अच्छा फ्रेंडशिप है. तो क्या लगता है कि अभी जो कैप्टन ये लोग गए हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो वहां पे अभिनव और निक्की दोनों का टारगेट राहुल होंगे, क्योंकि घर के अंदर भी कुछ इसी तरह का माहौल हुआ करता था, तो वहां भी टारगेट कर सकते हैं वो लोग, ऐसा लगता है आपको? आई ऑनेस्टली आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो हाउ निक्की माइंड वर्क्स ऑनेस्टली, एकदम मुझे पता ही नहीं उसका दिमाग कैसे चलता है. बट आई थिंक अभिनव भाई के लिए इट्स बिन वेरी क्लियर सिंस द बिगिनिंग, इज ऑलवेज बिन थोड़ा एंटी विथ राहुल, बिकॉज वो लोग दोनों की कभी बनती नहीं थी. तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली प्ले अगेंस्ट ईच अदर. आई डोंट नो वॉट टू से फॉर निक्की ऑनेस्टली, सो आई वुडेंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, बिकॉज वो कब क्या करे ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है. सो वील हैव टू वेट एंड वॉच आई गेस. या तो आप देख रहे हो, मतलब उनको काफी फन करते रहते हैं वो लोग, अक्सर वीडियोस डालते रहते हैं अपने फन के, और वहां पर कैसे समय बीत रहा है उनका भी, उसके भी. हाँ, I keep getting tagged in these posts and everything. I see the posts and everything.
जितना मेरे से हो सके मैं देखता हूँ। एंड अच्छा है यार, आई मीन आई एम वेरी ग्लैड कि जो कंटेस्टेंट्स गए उधर, एटलीस्ट नॉर्मल सी थोड़ी तो उनको देखने मिल रही है, बिकॉज हमारे कंट्री में जो हालत है उसके चलते आई डोंट थिंक वो जो एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है वो यहाँ पर भी हो सकती थी। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट उनको एक एटलीस्ट टेस्ट ऑफ नॉर्मलसी तो मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत हालत इट्स वेरी बैड। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट दे आर हैविंग देयर गुड टाइम, एंड नॉर्मलसी बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स अ गुड आइडिया टू दे आर हैविंग अ गुड टाइम, इट्स गुड, दैट्स ऑल आई वुड से। अच्छा, आपने काफी लंबा समय उन लोगों के साथ घर के अंदर बिताया है, काफी क्लोजली उनको जाना है। क्या लगता है तीनों में अगर स्टंट को या फिर अगर किसी भी एक्टिविटी को मात देने की बात आएगी तो कौन है जो गिव अप नहीं करेगा पहले? रुबीना, अभिनव, सॉरी अभिनव और निकी और राहुल। आई थिंक फिजिकल एक्टिविटीज की बात की जाए तो नो, इवन मेंटल एक्टिविटीज, आई थिंक दोनों एक्टिविटीज की बात अगर करे तो आई थिंक अभिनव भाई वुड बी अनबीटेबल, आई वुड से, बिकॉज फिजिकली फिट, जो कितना फिट है वो तो हम देख ही चुके हैं, वी हैव सीन दैट। एंड जितना अभिनव भाई ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आई हैव बिन सीइंग, अब मैंने अपने आंखों के सामने उसे देखा है, सो आई थिंक अभिनव भाई वुड बी अ बिग बिग कॉम्पिटिशन, एंड इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू बीट हिम। प्लस अभिनव भाई के फिजिकल फिटनेस के अलावा भी उनका जो एक उनकी एक बहुत बड़ी हैबिट है, एंड वो है कैंपिंग, वाइल्ड लाइफ, ही लव्स इट। एंड आई एम श्योर दैट अभी खतरों के खिलाड़ी इज सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कि अभिनव भाई को मिलने के बाद कि खतरों के खिलाड़ी इज वॉट ही इज मेंट फॉर, बिकॉज द फिजिकल एक्टिविटीज, द वाइल्ड लाइफ, द स्टंट्स दैट दे डू विद द स्नेक्स, एवरीथिंग, आई थिंक वो सब अभिनव भाई परफेक्ट कैंडिडेट है उसके लिए। तो आई थिंक अभिनव भाई गिव अप इतना ईजीली नहीं करेंगे जब तक वो अपना 100% नहीं देते हैं। अच्छा, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थ्री, उनके अलावा कोई ऐसा जो आपको बेहद खास पहले से लगता हो, क्योंकि काफी सारे और भी कंटेस्टेंट गए हैं, तो उनमें से कोई खास आपको लगता हो जिनके साथ आपका कोई पर्सनल कनेक्ट या टच है? नहीं, ऑनेस्टली मैं किसी को नहीं जानता इनके अलावा, आई डोंट नो एनी बडी। आई आई हैव सीन दे आर नोन फेसेस लाइक टीवी पे, तो ऑफकोर्स आई नो हु दे आर, बट पर्सनली जो इक्वेशन आप बोल रहे हो उस हिसाब से आई डोंट नो एनी बडी ओवर देयर, तो मैं उनको उनके बारे में आई डोंट थिंक मैं कुछ आपको बता भी पाऊंगा, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है अबाउट हाउ दे आर पर्सनली, आर आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विद देम, सो मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाऊंगा आई गेस इनके बारे में। अच्छा, अगर हम बात करें पविजाज की, लाइक एजाज और पवित्रा की, तो घर के अंदर तो एजाज आपको अपना छोटा भाई मानते थे और सब कुछ, आप भी उनको उतनी रिस्पेक्ट करते थे हमेशा। तो अब घर के बाहर इक्वेशंस कैसे है, कितनी बात हो पाती है, कभी आपको कोई एडवाइस उन्होंने दिया आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड या कुछ? पीपी से मेरी ज़्यादा बात होती है एजाज भाई से, एंड पीपी के साथ तो वी नेवर टॉक अबाउट वर्क, बिकॉज देयर लाइन ऑफ वर्क इज डिफरेंट, माई लाइन ऑफ वर्क इज डिफरेंट, हम एकदम अलग अलग लाइन्स ऑफ वर्क में, बट आउटसाइड द हाउस ऑल्सो इक्वेशन बिल्कुल बदला नहीं है। मैं अभी भी एजाज भाई का छोटा भाई हूँ, पीपी भी मुझे अपने छोटे भाई जैसे ही मानती है, एंड बहुत प्यार है। एजाज भाई वॉज नॉट कीपिंग वेल इन द मिडल, आई डिडंट गेट इन टच विद हिम रिगार्डिंग द सेम, बट अभी कुछ दिन पहले उनका, कल आई थिंक कल उनका कोई पोस्ट देखा मैंने जिसमें मुझे पता चला कि वो ठीक नहीं थे, तो मैं उनको कॉल करने वाला हूँ, बट एजाज भाई इज ऑलवेज देयर फॉर मी, लाइक कभी भी मुझे कुछ एडवाइस चाहिए या कभी भी देर इज समथिंग दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू समवन अबाउट अ समथिंग, आई नो दैट ही इज देयर, एंड वो एक ऐसे आदमी है जिन्होंने ही इज सीन इट ऑल, ही इज डन इट ऑल। बिग बॉस में हम बैठते थे, रात रात बात करते थे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो जो उन्होंने की है, तो मुझे पता है कि वो मुझे जज नहीं करेंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे, तो मैं एजाज भाई से कभी भी खुल के बात कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी फिल्टर दैट आई हैव टू पुट विद एजाज भाई, आई नो ही इज देयर फॉर मी। एंड पीपी के साथ थोड़ा मस्ती वाला इक्वेशन ज्यादा है, बिकॉज पीपी और मैं हम दोनों एक दूसरे की खूब खिंचाई करते रहते हैं पूरे टाइम, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को मीम्स भेजना, ये वो सब,
चालू रहता है एंड एट द एंड ऑफ इट आई लव देम बोथ, आई रियली लव देम बोथ एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी देम टुगेदर पोस्ट करते कुछ ऐसा कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के बिकॉज ये कहानी इट स्टार्टेड इन फ्रंट ऑफ मी ओनली एंड मैं अगर पीपी को नहीं देखता एजाज भाई को ऐसे देखते हुए तो फिर वो कहानी शुरू नहीं होती। आज भी पीपी मुझे बोलती है कि तेरे वजह से ही चालू है सब, तो आई फील वेरी हैप्पी। यस यस आई 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 स्टार्टेड देयर एंटायर लव स्टोरी, तो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी देम टुगेदर, आई रियली लव इट। एंड व्हाट अबाउट जिस तरह का प्यार वो लोग शोकेस करते हैं कहीं ना कहीं हर जगह, चाहे वो पर्सनली हो या फिर सोशल मीडिया पर हो या फिर सोशली हो, तो सब बहुत ज्यादा ही क्रेजी है उनकी वेडिंग को लेकर, तो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट, मतलब आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो उनकी शादी देखने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे को जितने गिफ्ट्स मिलने वाले ना लड़की एंड लड़कों वालों की तरफ दोनों तरफ से, मैं तो दोनों तरफ से जाऊंगा एंड ऐसा मैं देखिए मैं उतना यू नो आई कांट डांस दैट वेल, बट मैं उनके वेडिंग पे बहुत नाचूंगा। अभी ये कोविड ओवर आई होप जल्दी खत्म हो जाए, आई एम वेटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी इफ दे गेट मैरिड ना, तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज दे आर रियली यू नो दे आर अमेजिंग टुगेदर, दे लुक वेरी गुड टुगेदर, दे आर वेरी कंपैटिबल एंड वो जो झगड़े भी होते थे बिग बॉस के घर में एंड ऑल, कहीं ना कहीं उसमें एक प्यार होता था, तो आई रियली रियली वॉन्ट देम टू गेट हिच्ड ASAP, बट कोविड है तो यू नो थोड़ा वेट करना पड़ेगा सबको। आई थिंक ऑल द पवजाज फैंस हैव टू वेट फॉर अ बिट बिकॉज आई नो एजाज भाई, आई नो पीपी एंड आई नो दैट वो लोग ऐसा कोई इररिस्पॉन्सिबल काम नहीं करेंगे, यू नो इतने लॉकडाउन के बीच में शादी धूमधाम से लोगों को बुलाना, दैट्स नॉट देम, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर अ बिट एंड सबर का फल मीठा होता है, तो जल्दी कोविड खत्म हो जाएगा, आई होप दे गेट हिच्ड फास्ट ASAP। अच्छा घर के अंदर जो गहमा गहमी होती थी वो तो हम सबने देखी है, लेकिन कोई भी घर के बाहर वो चीजें कंटिन्यू नहीं करता, ज्यादातर हमने किसी को भी नहीं देखा है कि किसी ने घर की खींचतान को बाहर तक मतलब लेकर आए और उसे कंटिन्यू किया। सो व्हाट अबाउट जेसली, जेसली से कभी बात होती है, राहुल से कभी बात होती है? आई स्पोक टू जैस्मिन अभी 5 days, मैंने तू भी सताई जाएगी का कवर एक गिटार के साथ है पुट, मैंने वो जैस्मिन को भेजा इंस्टाग्राम पे, फिर व्हाट्सएप पे मैंने जैस्मिन से बात की, आई एम डूइंग अ कवर ऑफ अली एंड जैस्मिन का जो गाना है तू भी सताया जाएगा, उसका मैं कवर कर रहा हूँ एंड मैंने वो कवर भी भेजा, द कवर इज रेडी एंड मैंने वो कवर भी भेजा जैस्मिन को, तो शी सेड आई ऑलवेज सेड देर इज अ डिफरेंट ऑनेस्टी इन योर वॉइस एंड ऑल, तो जैस्मिन से आई स्पीक, अली से तो खैर अली से तो बहुत ही बात करता हूँ मैं, बहुत हमारी बहुत उल्टे पुल्टे बातें होती है एंड अली इज सुपर फन एंड आई गेस यू आर राइट, आप जब ये बात कहो तो यू नो बिग बॉस में जो बातें होती है आई नॉट सीन, बहुत कम देखा है मैंने कि बाहर यू नो लोग वही चीज़ों को लेकर बाहर आके, बिकॉज सबको पता है कि एक मेंटालिटी अलग थी उस घर में, स्ट्रेस लेवल जितने होते कि वी एक्ट इन अ वे दैट वी नो वुडंट नॉर्मली एक्ट, तो वो एक है इक्वेशन है जैस्मिन के साथ, अली के साथ, राहुल के साथ haven't spoken honestly, I did drop him a WhatsApp text but reply nahi aaya, so maybe Rahul is good in his own space, so that's absolutely fine with me, as long as he's happy I'm good about it, so baki I think aur bache kaun baki sabke sath, I'm in touch with almost everyone. Acha aapne unka gana dekha Madaniya jo Disha ke sath unhone kiya tha? Yes. Yes, and इतना प्यारा गाना है, इतना ब्यूटिफुल, दे आर लुकिंग सो गुड, राहुल एंड दिशा आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड जितना अच्छा वीडियो है उतना ही अच्छा गाना है, आशीष हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड राहुल तो इज अ गुड सिंगर ऑफकोर्स, इज डन अ वेरी गुड जॉब, बट आई वो मेरे लिए सरप्राइज एलिमेंट ये था कि जिस तरीके से दिख रहे थे दोनों, दिशा और राहुल इतने अच्छे दिख रहे थे एक साथ, तो वो मुझे it was beautiful, it was a very very nice video and a very very nice song, I really loved it. Acha aapka aur nishant ka jo bromance logo ne ghar mein dekha tha wo ghar ke bahar aane ke baad log miss kar rahe hain, so kis tarah ka unke sath ab aapka equation hai,
क्या बातचीत हो पाती है, कभी भी हुई है आप लोगों की बात? निशांत, आई जब बीच में थोड़ा ईज डाउन हुआ था कोविड का, यू नो, लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, मैंने आई मेट निशांत एट एट एन इवेंट. तो बातें हुई, इट वाज गुड. इट वाजंट ऑफ कोर्स एज अर्लियर जैसे था, वैसे तो था नहीं, बट इट वाज गुड. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू हिम, एंड आई मेट हिम ऑन द बिग बॉस फिनाले ऑल्सो. फिनाले के टाइम पे हम जब मिले तब बहुत बेटर कॉर्डियल वाइब्स थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैवन्ट बीन इन टच विद हिम ऑनेस्टली. एंड आई गेस वी बोथ वी आर हैप्पी एज थिंग्स आर. सो टू हिम आई वुड विश हिम ऑल द बेस्ट, या एंड ही इज ऑलरेडी डूइंग सो वेल इन हिज करियर, टच वुड. सो ऑल द बेस्ट विशेज, ऑल द लक एंड ऑल द हैप्पीनेस टू निशांत. उसके लिए कभी प्यार कम तो होने वाला है नहीं, बिकॉज देर आर अ फ्यू मोमेंट्स इन द बिग बॉस हाउस वेर नो बडी वॉज देयर फॉर मी एंड ही वॉज देयर फॉर मी. सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट एंड आई एम ऑलवेज गोना रिमेंबर हिम. ही इज गोना बी वन ऑफ दो स्पेशल पीपल फॉर मी, ऑलवेज ऑलवेज. ओके. और नैना से कैसे आपकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई, जबकि वो बहुत ही शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है घर के अंदर थी, लेकिन आपकी दोस्ती बहुत अच्छी नैना के साथ हो गई है. नैना इज वन ऑफ माई परमानेंट्स. नैना के साथ मैं बहुत ज़्यादा वाइब कर गया, शार्दुल एंड नैना इनफैक्ट दोनों, क्या बिकॉज शार्दुल देख, शार्दुल तो भाई है, शार्दुल तो भाई है वो. बट नैना के साथ जो आप मेरे मतलब यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, आई थिंक द टाइम अगेन, जो यू नो मैं आपको जो बता रहा था, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट दे वर इन द हाउस फॉर, इट डिडंट मैटर. क्या चाहे वो 1 हफ्ते हो या 3 हफ्ते हो या कुछ भी, वो क्वालिटी ऑफ टाइम जो कनेक्ट. हमने स्पेंड किया साथ हाँ में, आई थिंक दैट इज वॉट मेड अ डिफरेंस. एंड बहुत ही अच्छे अच्छी एक ह्यूमन बींग है नैना. शी इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. ब्यूटिफुल तो है ही वो देखने में, यू नो शी इज वेरी प्रिटी एंड एवरीथिंग, बट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग. एंड ये बात मुझे बिग बॉस के बाहर आके पता चली, जब मैंने उससे कनेक्ट की एंड वी स्पोक, वी स्टार्ट टॉकिंग, तो आई फाउंड हर टू बी प्रिटी मच वन ऑफ द मोस्ट प्योर पीपल, जो दिल में जो है वो रख देती है सामने. देर इज नो पॉलिटिकल गेम्स और देर इज नो यू नो खिलवाड़ इन वॉट नैना डज. शी इज वेरी अपफ्रंट एंड डायरेक्ट, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली लव अबाउट हर. एंड यू नो वी बोथ शेयर अ फ्रेंडशिप वेयर वी बोथ मोटिवेट ईच अदर. जब भी हम लोग यू नो आई एम डाउन और समथिंग, मैं नैना को मैसेज कर दिया, यार यू नो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, शील बी लाइक तू ऐसा मत सोच, तू बहुत अच्छा है, तू अमेजिंग है, तू किल कर देगा, ये वो ये वो, यू नो वो बहुत एक पॉजिटिविटी वाला एक माहौल क्रिएट कर देती है मेरे लिए, एंड आई रियली लव दैट. एंड सेम गोज फॉर हर, वेन एवर शी इज लो शील टेक्स्ट मी, शील ड्रॉप मी अ टेक्स्ट कि यार ऐसा ऐसा लग रहा है ऑल. तो इट्स अ वेरी नाइस फ्रेंडशिप विद नैना, एंड आई रियली रियली लव हर. शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड आई रियली वॉन्ट हर टू बी सक्सेसफुल. अच्छा, जैसा जिस तरह से हमने देखा है अक्सर, मतलब जिस तरह से म्यूजिक वीडियो का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, रुबीना अभिनव ने किया, रुबीना पारस ने किया, पारस का तो सॉन्ग आते ही रहता है मायरा के साथ में, जसली ने किया, तो आप ऐसे कभी कोई म्यूजिक वीडियो में फीचर होंगे बतौर, मतलब जिस तरह से आपका एक कहीं ना कहीं स्क्रीन स्पेस हमेशा दिखाए निकी के साथ में, एक ट्यूनिंग दिखी है हमेशा स्क्रीन पर, तो कभी उनके साथ आप आना पसंद करोगे म्यूजिक वीडियो में? Honestly, I'm doubtful now about the same. I don't know because काफी सारी चीजें अभी बातें यू नो बोली गई है, तो उसके बाद आई वुडेंट वॉन्ट टू वर्क विथ सर्टन यू नो इमेजेस दैट हैव बीन पोर्ट्रेड अबाउट मी. सो आई वुड से अभी के लिए आई डोंट थिंक, आई डोंट सी दैट हैपनिंग. बट या आई एम क्यूरियस एंड आई एम कीन ऑन वर्किंग विथ अ फ्यू अदर फेसेस. तो आप लोग बहुत जल्दी वो भी देखेंगे. म्यूजिक वीडियोस तो आएंगे मेरे, मगर कुछ अलग नए चेहरों के साथ आएंगे. अच्छा, वी हैव सीन निकिस ब्रूटल कन्फेशन ऑन शी डजंट हैव एनी फीलिंग फॉर यू, तो हाउ यू हैव टेकन इट? मतलब उन्होंने घर के अंदर भी तो ये बात बोली ही थी, लेकिन बाहर आकर भी उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत बार बातें की है, बहुत बार बहुत कुछ बोला, तो
सो हाउ यू हैव टेकन. उनकी बातें, उनको मुबारक. एक्चुअली आई आई डोंट नीड वैलिडेशन अबाउट माय पर्सनालिटी बीइंग वीक और स्ट्रांग, बिकॉज मुझे वैलिडेशन बहुत यू नो एक बहुत बड़े इंसान से मिला है, सलमान सर से मिला है मुझे. तो आई वुड रादर इग्नोर दिस टॉपिक, बिकॉज वाई टू गिव अटेंशन टू यू नो. या ओके, सो लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस, उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग है जो आप बताना चाहते हो कि कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो? बहुत बहुत सरप्राइजिंग है गाइस. लॉकडाउन में रहकर यू नो दिमाग एकदम फ्राई हो गया मेरा, बट इसका एक बहुत अच्छा साइड ये आया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक दैट आई हैव वर्कड ऑन एंड अभी इट्स रिलीजिंग टाइम नाउ. सो वीडियोज का तो पता नहीं, बिकॉज यू नो विद द लॉकडाउन इन इफेक्ट वीडियोज थोड़े मुश्किल होंगे, मगर ऑडियोज आई एम गोना बी रिलीजिंग अ लॉट ऑफ ऑडियोज ऑन माय चैनल, ऑन माय यूट्यूब चैनल. माँ हैज रिलीज्ड ऑन मदर्स डे, तू भी सताई जाएगी इज कमिंग वेरी सून, इट्स कमिंग इन द नेक्स्ट 5-7 days. एंड उसके बाद देर इज अनदर ओरिजिनल सॉन्ग कॉल्ड नजदीकिया, वो भी आ रहा है. एंड उसके बाद देर इज अनदर सॉन्ग which is one of my grand projects, that's Tu Hi Re, to wo bhi aa raha hai. And uske alawa there are a few remakes, dad ke songs ka remake that I'm going to be doing with Sonali Raut, so that is also in the pipeline. And yeah, there are a few interesting projects, so let's see how it goes. Music videos ke liye hame shoot karna padega, to we'll have to make it work somehow, but yeah, there is a lot of exciting good music coming your way, and finally it's release time, so आप लोग जस्ट सपोर्ट करते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए. एंड बस एक छोटी सी धुन अगर आप कोई गाने के गुनगुनाना चाहे, क्योंकि हमने आपको बिग बॉस में जरा जरा पे बहुत ही ज्यादा लोगों को मन मोहित करते हुए देखा है, लाइक लोग मेस्मराइज हो जाते थे वो मोमेंट के लिए, तो थोड़ा सा अगर आप गुनगुनाना चाहें. यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस मौसम की बारिश में, मेरे खुले खुले लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ ऐसी ख्वाहिश में. सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तनहा हो ना कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में. थैंक यू सो मच जान, आज भी कहीं ना कहीं मैं वो रिलीव कर रही थी वही मोमेंट जो बिग बॉस के घर में आपने सबको कहीं ना कहीं एकदम हक्का बक्का स्टंट कर दिया था इस एंड इट्स रियली मतलब लाइक गॉड का इतना बड़ा आपके ऊपर हाथ है, कहीं ना कहीं माँ सरस्वती आपके गले में बसती है, इतना मेलोडियस. और हमेशा ऐसे ही अच्छे से गाते रहिए, अपने फैंस को एंटरटेन कीजिए, और ऐसे ही कनेक्ट होते रहेंगे हम हमेशा. बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. Take care and stay safe. Thank you so much for talking to us. Take care. Bye. Bye. Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Blitz Vision USA. Thank you.